शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम शहादत पर बोलना चाहते हैं कि मेरा पति चले गए लेकिन एक बेटा है, इसको हमें कोई रोजी रोजगार टीचर में दीजिए, बोलिए मत, क्योंकि सरकार मेरा सब बेटा देखेगी। है, थोड़ा सा इसको तबीयत खराब है, फौज में तो नहीं जा सकता है। पापा मेरे कफन में आ गए, तिरंगे में लिपट कर आएंगे। इस पर आप मैंने पापा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? पापा से हम बहुत गर्व है उन पे, वो हम लोग का स्तंभ थे, हम लोग के बहुत सारा दिन जय हिंद। दोस्तों, फौजी अमरेश कुमार यादव के घर पर हूं और वह देश की रक्षा करते हुए दो दिन पहले ही असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। उनके घर पर देख सकते आए हुए हैं परिवार परिजनों को, रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। उनकी पत्नी बोलने लायक भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे आग से आंसू बह रही है और बार बार बेहोशी हालत में बन चुकी है। इनके यहाँ पर देख सकते हैं बेटी भी है और यहाँ पे उनका बेटा भी है और यहाँ पे पत्नी है। सभी लोगों से बात करेंगे, आखिरकार इन लोग से कब बात हुआ था और क्या बोलते थे, चलिए जानते हैं। आपका पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, इस शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम शहादत पर बोलना चाहते हैं कि मेरा पति चले गए लेकिन एक बेटा है, इसको हमें कोई रोजी रोजगार टीचर में दीजिए, बोलिए मत, क्योंकि सरकार मेरा सब बेटा है, थोड़ा सा इसको तबीयत खराब है, फौज में तो नहीं जा सकता है, लेकिन टीचर का नौकरी दीजिए और दोनों बेटी का आरक्षण दीजिए अलग से, कि मेरा बेटी दोनों हमारे और रोजी रोजगार पर अपना पैर पर खड़ा होए, शहीद पापा को अपना और दोनों बेटी सरावा पूरा करे और दोनों बेटी के सोखवा पापा के पूरा करे, पापा के सोखवा था कि बड़ा की बेटी हमारे टीचर में हमारे जो आई न करे, और छोटा की बेटी के दारोगा बाबा नाई के अबाराधी पे नाई हमाया सटा लगा ले, बेटा वाके बोला थे कि हाँ माँ बेटा के हम टीचर बनाए बाबू, अरे के बेटा के दारोगा बाबा बनाए बाबू हाँ माँ। आखिरी बार कब बात हुआ था आपका पति से? आखिरी बार हमारा शनिवार के बतिया रतिया में हुआ। क्या बोल रहे थे उस टाइम? अब बोले कि हाँ माँ ठीक है, हमारा कमजोरी जैसा लगा से हम आके एडमिट होके अगुल को चवा चढ़ा ना चाहे, आ सवेरे हम छवे बजे फोनवा किए तो राजा हमर बोलेना फोनवा नहीं उठाए हो रामा, सुबह में सूचना कौन दिया? सुबह में नहीं फोनवा उठाए तो हम 20 बार फोन किए, फिर वीडियो कॉलिंग किए, तब उनको अटेंडर उठाया फोन, बोला मैम साहब साहब अभी बोलने का हालत में नहीं है, पाइप लगा हुआ है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी बिल्कुल साहब ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे साहब बोलेंगे वैसे हम आपसे बात करा देंगे। और जखनिए से हमारे बेटावा सुतल हले, जखनिए गली कि बेटावा पापा के तो रहता हलतावा ना ठीक हो बेटावा, आज सत्येंद्र अंकल के नंबर आवा ले ले हल्कि ना दा बोल के बेटावा कि ना हम सत्येंद्र अंकल के नंबर आवा नहीं लिए थे, हवा कह के कहाँ हम बतिया करियो। हमारा शादी से पहले किए थे हमारे पति देव, अब पापा हमार नौकरिया दाम दवा खोज के हमारा हथवा धरलन की बेटिया रजवा अखर तन हो रामा। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से कोई सहारा नहीं हमारा रहा, सरकार से मांगवा करेंगे कि हमारा बेटा के टीचर में नौकरिया दे दा, बेटिया के हमारा राशन आया लगे से दे के हमारे दोनों बेटिया के पैरावा पर अखाड़ी कर हो राजाओ, बेटियन के बापा के शाहिदावा के अलग से हमार आधा राजा दे के दोनों बेटियन के अब हमार रोजिया रोजगार आवादी हो रामा। सैन सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए।
यही आप मांग कर रहे हैं सेना की तरफ से। अभी हर सरकार से मंगावा करिए कि हमारे बेटियन के अलग से आरक्षण दे के जो इनामा कराई दिया हो राजा। घर कब आए थे? एक महीना हमनी के साथवा लेके गए 17 सितंबर के हम लोग के आए ले जाने के अघुराए। काची बोल रहे हैं आप? 17 सितंबर को पापा घर पे आके हम लोग को लेकर के गए साथ में घुमाने के लिए कि चलो बेटा अब हम तुम लोग घुमा देते हैं। और हम लोग घूमने भी गए, अच्छा से घूमे भी, हर जगह हम लोग खुशी खुशी घूमे। हम लोग पापा के ट्रेन भी बैठा दिए, बोले बेटा अच्छे से आप लोग घर जाओ, हम आएंगे छुट्टी दीपावली के टाइम में। दीपावली के टाइम में मैंने आने के लिए वादा किए थे आप लोग से। हाँ दीपावली में आएंगे बेटा, दीपावली के टाइम में। लेकिन अब तो वादा अधूरा रह गया। पापा मेरे कफन में आ गए, तिरंगे में लिपट कर आएंगे। तिरंगे पर आप मैंने पापा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? पापा से हम बहुत गर्व है उनपे, वो हम लोग का स्तंभ थे, हम लोग बहुत सारा दिन करते हैं। हाँ पिता को बहुत हम हमेशा सैल्यूट करते हैं, जब थे उस टाइम भी करते थे, अभी चले गए फिर भी करते हैं। आपका पिताजी फौज में भर्ती थे तो लोग तो वानी कर सकते हैं, गर्व से आप लोग का बुलाते होंगे कि आपका पिताजी फौज में है। मेरे पापा जी से बोलते थे कि मेरे आप लोग का भी गर्व महसूस होता होगा। बहुत बहुत होता था, बहुत होता था, बहुत ज्यादा गर्व होता था। हम लोग जब पापा के पास गए, पापा को रैंक देखे, पापा को सारे लोग जय हिंद साहब जय हिंद साहब बोला। उस टाइम मेरा छाती एकदम आसमान में चला गया, मेरे पापा कितना बड़ा पोस्ट पे भी यहाँ पे है। आपका पिताजी कौन सा पोस्ट पर थे? सूबेदार थे मेरे पापा, सूबेदार कमांडिंग ऑफिसर। हाँ मेरे पापा को प्रमोशन भी मिल रहा था लेकिन मेरे पापा पर है नहीं। पिताजी का कब तक जॉब था? अगले साल 2025 अप्रैल। बहुत जल्द घर आने वाले थे रिटायर लेकर। आप लोग प्लानिंग भी बना रहे हैं? हम लोग सोचे थे पापा को सरप्राइज देंगे, पापा को सरप्राइज देंगे, आने से पहले पूरा घर सजाएंगे, उनको पूरा दम आते वक्त देखेंगे, अगर मेरा घर यही मेरा घर हमने बनाया। मेरा सपना टूट गया, तिरंगे में लिपट कर घर। मेरे पापा तिरंगे में लपेट के आ गए। चलिए देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं उनके परिवार परिजनों थे और इन लोग का यही मांग है, इन लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अब हम लोग का सहारा कोई नहीं रहे, हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, जिसको लेकर इन लोग बिहार सरकार से यही मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी यही बोल रही थी कि मेरा बेटा को कोई भी बिहार में सरकारी जॉब मिलनी चाहिए और मेरी बेटी को आरक्षण मिलने चाहिए, जिसको घर परिवार मेरा अच्छा से चल सके और मेरा जो कर सकते हैं जो सपना है उनका पिताजी का जो सपना था वो सपना पूरा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।